हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टफ्स अनुज में। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो वीडियो बताता हूँ मैं। आज की वीडियो है, इस सैमसंग के फ़ोन में एक जुगाड़ है, इस फ़ोन में वो मैं आपको बताऊँगा वो है क्या। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना आपको ज़्यादा पकाए। हाँ, इस वीडियो को थोड़ा पूरी देखिएगा तभी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी वाली। तो चलो गेट स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक सैमसंग का फ़ोन रखा हुआ है। ये है सैमसंग गैलेक्सी कोर, ठीक है ये, ठीक है। इसमें देख रहे हैं क्या नॉर्मल फ़ोन है, इसमें कुछ खास नहीं है भाई। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या खास है। फ़ोन है, बंद करना है इसको, तो हमें बंद। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ और साइड से कर रहा हूँ, बस थोड़ा साइड से मैंने इसको पकड़ रखा है। इसको अब किया मैंने ऑन, ये हुआ है ये ऑन, ये हुआ ऑन, ऑफ ऑन ऑफ। तो ये बता देता हूँ ये है क्या, इस फ़ोन में हुआ क्या। सबसे पहले साइड में मैं आपको थोड़ा टेप दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में ना ये जो बटन होता है इनका पावर वाला, गया सर ये, ठीक है। जो यहाँ ऊपर का जो बटन होता है ना, देखिए ये बटन ना ऊपर से इसका टूट गया था, तो बटन तो सिर्फ अंदर से, तो हमको कुछ ऑन ऑफ करना था तो हम तिल्ली से करते थे इसके साथ। तो पर हुआ क्या, एक दिन मैंने भी जल्दी जल्दी में थोड़ा खोल रहा था, तो वही लॉक के साथ साथ हुआ क्या, तिल्ली मैंने डाली, तिल्ली मैंने कैंची डाली, सिस्टम कैंची डाली, और कैंची से हुआ क्या, बटन टूट के अंदर चला गया। तो एक मेरा एक दोस्त है, उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, आपने शायद देख लिया कैसा है पीछे का सिस्टम। कोई नहीं, अभी बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो बस, तो मैंने उससे कहा मेरा को जुगाड़ करा दे, जुगाड़ नहीं, पहले तो मैंने कहा इसमें बटन लगवा दियो। तो उसने बटन के लिए कहा ठीक है, देखता हूँ बटन। उसने फिर एक करोल बाग गफार में फिर अच्छे छान लिया, उसका कहीं नहीं मिला। तो बस, तो मैंने उसको जुगाड़ लगा दे, मैंने कहा मेरे को दो तार टच करने वाला दे दे कर दे। तो उसने सोच सोच के ऐसा जुगाड़ बना दिया जिससे ये हुआ। आप देख सकते हैं, आपको बस टेप ही टेप दिख रहा होगा इसमें, आप देखिए ये, और बटन आपको दिख रहा होगा, ये रहा बटन, ये बटन, ये इस बटन को दबाते हैं तो लाइट जलती है, इसका दबाऊंगा तो लाइट ये। अब जैसे मैं इसको अगर दबाए रखूँगा, ये सेम फंक्शन, ये सेम काम उसी का कर रहा है जो यहाँ बटन था। बस ये क्या किया, दो कॉपर की वायर ली, उन दो सोल्डिंग करके यहाँ निकाल दिया, और यहाँ से मैंने टेप से मास्किंग टेप यहाँ लगाई, यहाँ से ये हो गया कि खींचेगा, यहाँ से मैंने मैजिक टेप आती है, और ये जो होती लगती तो दिखती नहीं है, पर ये बॉडी थी इसलिए इस पर आपको दिख रही है। यहाँ लगा के यहाँ मास्किंग टेप मैंने जॉइंट पे लगाई है, इसीलिए क्योंकि जॉइंट उखड़े ना, उखड़ जाएंगे तो आपसे दिक्कत हो जाएगी। ये है, ये एक यूनिक तरह का फ़ोन हो गया इससे। और जैसे आप देख सकते हैं, किसी के सामने मैं ऐसे करूँगा, नीचे से मैं उंगली से बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आके खुल रहा है, देखिए खुल गया, देखिए कुछ नहीं है। अब जैसे अगर मेरे को सिम कार्ड लगानी है, इसमें ढक्कन मेरे को आराम से खोलना है, हल्का सा आराम से बस, और इसको मेरे को फ्लिप की तरह कर देना है। और जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ कोने में कवर की वायरें दिखेंगी, देखिए आपको, हाँ ये जो दिख रही है आपको कॉपर की वायर है, ये अंदर बॉडी के अंदर है, ये सैमसंग का डिवाइस, ये बस इसको आपसे फ्लिप करके बंद इसको प्रेस कर देना है। मेरे को तो ये जो पहले से भी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि ये पीछे से प्रेस करो, कुछ नया होगा थोड़ा सा फ़ोन में। चलो जी, बस यही था इस वीडियो में। बाकी ये फ़ोन तो सही था, इसमें तो मैंने जुगाड़ इसलिए करा क्योंकि इस फ़ोन में मैंने हाल ही में टच डलवाई थी, सामने के ऊपर की है। अगर अच्छा लगा हो तो ये बटन तो कमेंट बताइएगा, अगर आपको जिससे अगर आपको भी कहीं ऐसा जुगाड़ करवाना है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको वो भी जुगाड़ करवा दूंगा। कमेंट में बताइए आप मेरे को वीडियो के, मैं अगर आपको किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए ही बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बस सब्सक्राइब बेल बजा देना,
बाकी और कुछ नहीं, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।